मेरा नाम मासूमा रशीदी है, आई एम फ्रॉम कैडन सदर ब्रांच एंड हमारे कॉलेज में इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ जो 19 फेब को होने वाला है शो, जिसके लिए हमने 1 महीने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। एंड हमने ऐसे ही नहीं किया इवेंट ऑर्गेनाइज, इसके लिए हमने इवेंट मैनेजमेंट टीम रखी जिसमें हम तीनों थे, कार्या, मैं एंड वैशाली। और हमारे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स सब ने, ये जैसे आप ड्रेस देख सकते हो, ये सब डिज़ाइन किए हैं जो कि आधे हो चुके हैं एंड कुछ अनफिनिश्ड है। यार इसके पहले भी हमने शो किया था जिसमें हमने खुद एज अ डिज़ाइन वॉक भी किया था एज अ मॉडल एंड डिज़ाइनर। हाय, मेरा नाम अपर्णा है, ये हम सब एक टीम है, तो हम मैनेजमेंट मतलब इवेंट मैनेज कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसका वर्क कितना हुआ है, कितना उनका स्टिचिंग हुआ है, किसी का फैब्रिक आ गया है, क्या ड्राफ्टिंग हो गई है, क्या मतलब हम हर चीज़ अपडेट रखते हैं, फिर वो हमें मैम को भी बताना पड़ता है। तो मतलब वो हमारा एक सीक्वेंस से चलते रहता है कि हम मतलब कैसे मैनेज करते। तो हमें टीचर्स भी बहुत हेल्प करते कि इस तरीके से वो सब पढ़ना है। गाइडेंस हमें मतलब साल भर में, अभी हमारा सेकंड शो है और ऐसे हमारे वर्कशॉप्स वगैरह चलते रहते हैं, तो गाइडेंस अकेडमी से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है फैशन शोज़ की और नन अदर दैन बहुत सारे वर्कशॉप वगैरह की, तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है इस सबसे। हमने ओवरऑल पूरी टीम को बहुत अच्छे से लीड किया है एंड आई होप कि ऐसे ही फैशन को हम आगे भी बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे लेवल पे ले जाए। एंड चाहे यहाँ रहे या बाहर, मैं चाहती हूँ कि फैशन को काफ़ी एक अच्छे लेवल पे ले जाए सब। ये जो फैशन शो है उसके लिए भी मैं अपने फ्रेंड्स और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट विशेस करना चाहूँगी। एंड हमारी फैकल्टीज़ ने भी हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है ओवरऑल सब चीज़ में, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू एंड थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ रुबीना शेख, आई एम अ फैशन डिज़ाइनर। पे डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स के स्टूडेंट्स हैं और सबका कोऑर्डिनेशन करना और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के अकॉर्डिंग उनके ड्रेस गारमेंट बनाना, इट्स अ वेरी बिग रोल। और सभी स्टूडेंट्स बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने अपना वर्क अभी तक जस्ट 1 वीक में जितना भी उन्होंने वर्क किया है जस्ट काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट उनसे, मतलब हमें भी सीखने मिला है, क्योंकि बेसिकली सीखता वही है जो पहले सिखाता है। तो ये मेरा सेल्फ नॉलेज भी मेरा बहुत ज़्यादा गेन हुआ है अंडर द गाइडेंस इन ज़ेबा अली मैम एंड निशा मैम। निशा मैम बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है। तो मैं यहाँ मेन्स गारमेंट सिखाती हूँ और अभी हमारा मेन्स फैशन शो भी है और किड्स भी है, ये बनवाते हैं, सिखाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैम, हमारे ज़ेबा मैम ने मुझ पर भरोसा करके, यानी मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, एक भरोसा किया मुझ पर। माय सेल्फ आशी अली, आई एम फ्रॉम इंटीरियर डिपार्टमेंट सदर केडेंस में, जायजा फैकल्टी एंड कोऑर्डिनेशन किस में है। जैसा फैशन बताया गया कि इम्पोर्टेंट है, वैसे ही इंटीरियर भी इम्पोर्टेंट है। इंटीरियर की फील्ड में हम देखते हैं बच्चों को कि हम उस फील्ड में कितना वर्किंग करवा सकते हैं। इंटीरियर में जैसा पहले रहते थे, प्रॉपर घर नहीं रहते थे, बट अभी कैसा फंक्शनली उसको कैसे लेके आना है, वर्क कैसे करना है, तो ये स्पेस का यूटिलाइजेशन, जैसा अभी लैंडस्केप का बहुत अच्छे से करवाया गया है। अभी केडी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने लैंडस्केप काफ़ी अच्छे से वर्क किए हैं। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग इसमें जा चुके हैं, जो अपना खुद का ओन बिजनेस कर रहे हैं, टीचर्स के पास में, इंटीरियर डिज़ाइनर के पास में, कोई आर्किटेक्ट के पास में, ऐसा फील्ड में उतर चुके हैं। तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें बताते हैं स्टूडेंट को कि वर्क कैसे करे, अपनी ड्राइंग में डिटेलिंग कैसे लेके आए, तो प्रेजेंटेशन कैसे लेके आए, वो आउटपुट कैसा लेके आए। तो वो सारी चीज़ें जैसा हम ऑटो कैड में बताते हैं, शीट वर्क करवाते हैं एंड 3D मैक्स में करवाते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन जैसे जैसे डेवलप करते हैं स्टूडेंट अपना वर्क शो करते हैं। इंटीरियर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मतलब क्लाइंट तो जब देखता है कि हमको डिज़ाइन पसंद है, तो उसके बाद में वो कलर्स, जैसे हम बताते हैं कि सोफे पे बेस्ट कलर कौन सा है, टाइलिंग के लिए कौन सा कलर अच्छा है, किचन के लिए क्या यूटिलाइजेशन, अगर एक किड्स रूम बना रहे हैं तो हम उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें एम्बियंस कैसे क्रिएट करें, एक जैसे लिविंग रूम है तो उस एम्फेसिस क्रिएट कैसे कर सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि आजकल सबको ये लगता है कि हमारा घर सबसे बेस्ट है। जैसे स्टूडेंट्स अपनी अपनी फील्ड चूज़ करते हैं, तो आप हमारा जो सदर केडेंस है मंगलवारी बाजार में, तो आप यहाँ पर गूगल सर्च करके भी आ सकते हैं, बाय कॉन्टैक्ट, बाय न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। माय सेल्फ सैयद जुल्फिकार रिजवी, सदर केडेंस अकेडमी, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। आप जैसा
थोड़ी देर पहले सारे स्टूडेंट्स वगैरह से और फैकल्टी से कोऑर्डिनेशन कर रहे थे एंड आपने देखा कि ये जो ड्रेसेस वगैरह डिज़ाइन किया हुआ है फैशन डिज़ाइनर्स स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर्स सारे स्टूडेंट्स एक साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के साथ में फैकल्टीज़ के जितने गाइडलाइंस रहती हैं या गाइडेंस होता है उसके साथ में जितने ड्रेसेस डिज़ाइन कर रहे हैं न्यू वेरिएशंस पे काम कर रहे हैं और जो आउटपुट्स हैं इनका वो आउटपुट वेल ट्रेन्ड फैकल्टीज़ के साथ में और जितने भी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं के बड़े बड़े फैशन शोज में पार्टिसिपेट किए हुए हैं हमारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो करते हैं और स्टूडेंट्स अपने तरफ से जो एफर्ट्स डाल सकते हैं वो अपने एफर्ट्स को यूज़ करते हैं एंड देन जो आउटपुट होता है वो आपके सामने है एंड पेरेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं तो अभी ये एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज हो रहा है फैशन शो जो ऑर्गेनाइज हो रहा है उस फैशन शो में क्लाइंट्स से डायरेक्ट हम स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आज एक ऐसी ज़रूरत बन गई है फैशन और इंटीरियर कि जिससे एक समाज हो या एक कल्चर हो या एक एरिया हो तब वो अगर कोई कश्मीर का रहने वाला है तो उसके डिज़ाइंस अलग होते हैं राजस्थान का रहने वाला है उसके डिज़ाइंस अलग होते हैं किसी और जगह रहने वाला है उसके सब वेरिएशंस डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। सिंपल वे में अगर मैं बोलूं कि मैं भी एक ड्रेस पहना हुआ हूं लेकिन इसमें मेरे पहनने में सिर्फ ये है कि जस्ट मैंने बाजार से ये देख कर ले आया कि ये शर्ट मुझे अच्छी दिख रही है इसलिए सलमान खान ने पहनी शाहरुख खान ने पहनी लेकिन शाहरुख खान पर वो शर्ट अलग लग रही है सलमान खान पर वो शर्ट अलग लग रही है और मुझ पर वो शर्ट अलग लग रही है। ये डिज़ाइनर बताएगा कि आपको क्या पहनना है। आर्टिस्ट जो चीज़ को अगर अपने आप से बना रहा है उस चीज़ को अगर वो अपनी सारे एफर्ट्स डाल के एक ड्रेस भी अगर डिज़ाइन कर रहा है तो उसका एक ड्रेस उसके माइंड को और उसकी मेहनत को सामने प्रमोट कर रहा है। जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है उसमें ये है कि हर तरीके से मार्केटिंग आज हो रही है लेकिन लॉकडाउन के बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बदल चुकी हैं इसलिए हम लोग ये है कि पर्सन टू पर्सन भी अगर होता है या ये जो स्टूडेंट्स हमारे हैं ये एक दूसरे को इसलिए कि अगर हम यहाँ से कुछ दे रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स ही होते हैं कि जो हमारे लिए बाद में स्टूडेंट्स को जनरेट करते हैं इसलिए कि वो जाने के बाद बताते हैं कि भाई हम सदर केडेंस से हैं या हम कहीं और से जहाँ से भी उनको जहाँ अच्छी टीचिंग्स मिल रही है जहाँ से उनका करियर बन रहा है तो वहाँ के लिए एकेडमी के लिए बात होती है कि वो खुद प्रमोट करते हैं। अब रही बात ये कि 12th के एग्ज़ाम्स के बाद में जो स्टूडेंट्स का क्राउड होता है तो वो क्राउड ऐसा है कि भाई दे आर सर्चिंग फॉर डिफरेंट फील्ड्स तो अब वो डिफरेंट फील्ड्स जो सर्च आउट कर रहे हैं तो उसमें फैशन और इंटीरियर भी एक फील्ड है कि जिसमें उनको नॉलेज होनी चाहिए कि आज हमारे लिए एक ग्राउंड ओपन है कि जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। मैं जैसे हर्षि मैम हैं हंसिनी मैम हैं निशा मैम हैं एंड रुबीना मैम एंड अदर देन दैट सारे फैकल्टी जितने हैं सराउंडिंग है ये फैमिलियर सराउंडिंग है ये स्टूडेंट्स के साथ में भी इतने ज़्यादा फैमिलियर हैं इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो जस्ट एज अ फ्रेंड ऑल द थिंग्स इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं इसलिए कि पढ़ाई तो सब कर रहे हैं बस वे ऑफ टीचिंग क्या होता है जो तरीके से फैकल्टीज़ की और हमारा स्टाफ में भी जैसे बॉन्डिंग होना चाहिए कि भाई सब एक दूसरे से समझ रहे हैं सब एक दूसरे को देख रहे हैं और कहाँ क्या चीज़ की कमी है कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए किस तरीके से इसको हमें आगे प्रमोट करना है काम करना है वो सारी चीज़ों को स्टूडेंट्स के साथ में फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से समझ के काम कर रहे हैं। फैशन इंटीरियर के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज मैं समझता हूँ कि बहुत डीप नॉलेज लोगों को नहीं है वो डिफरेंट वे में सोचने का तरीका होता है मे भी हो सकता है कि मैं भी इस चीज़ में रॉन्ग साइड पर हूँ कि शायद हो सकता है कि कई लोगों तक ये बातें पहुँची नहीं है कि ये भी एक फील्ड है कि जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं इसलिए कि डिप्लोमा में कर सकते हैं एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं ग्रेजुएशन पूरा कम्प्लीट होता है और मास्टर्स कर सकते हैं यानी आज ये फील्ड धीरे 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 एजुकेशन सेक्टर के हिसाब से कि हमको एक सर्टिफिकेट भी हो रहा है कि हम ग्रेजुएट भी हो रहे हैं एंड अदर देन दैट हमारे पास में एक ऐसा नॉलेज हो रहा है कि जिसमें हम स्किल अपनी बिल्डअप कर सकते हैं।